स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ में आप जो क्वेश्चन समझेंगे वो डाइजेशन के बारे में, उसमें एक डायग्राम है जिसे आप को एक्सप्लेन करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, लेबल द फिगर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एलोंग साइड। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसकी फिगर को देखेंगे। सबसे पहले स्टमक होता है, जो स्टमक होता है यहीं से हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है। इसके बाद ये स्टमक से बहुत सारे एंजाइम्स की मदद से, ये पेंक्रियाज एक ऑर्गन होता है, इसके अंदर खाना जाता है और इसमें पेंक्रियाटिक जूस पैदा होता है और साथ में ये बहुत सारे एंजाइम्स की मदद से ये फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है। फिर इसके बाद दो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है वो इसमें पैदा होता है और लिवर के ही साथ इसका एक पार्टीशन होता है जिससे ये जो खाना होता है उसे लिक्विड के फॉर्म में चेंज करता है। इसके बाद फिर राइट में देखते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसमें अनडाइजेस्टेड फूड, जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर की मदद से जो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है डाइजेस्ट होके और प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होता है। और जो अनडाइजेस्टेड खाना होता है यानी जो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो अनडाइजेस्टेड होता है वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाके रुक जाता है, यानी अनडाइजेस्टेड खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाके रुक जाता है। इसके बाद जो प्रॉपर जो डाइजेस्ट खाना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके रुक जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेस्ट करती है वो खाने को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करती है। फिर जो उसके बाद जो बाकी मैटर बचता है वो रेक्टम के अंदर जाता है और रेक्टम से होते हुए फिर फाइनली वो एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक छेद जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एनस कहते हैं और ये सॉलिड की फॉर्म में एनस से जो है प्रॉपर तरीके से बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्सप्लेन हो जाता है और ये जो डायग्राम है वो ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी प्रॉपर डाइजेशन की फॉर्म में उसका एक पार्ट है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस। इसका मतलब है कि अगर हम रॉ वेजिटेबल्स या लीफी वेजिटेबल्स, रॉ मटेरियल्स या ग्रास इसे ही हम खाएं तो हम क्या सर्वाइव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज नहीं, क्योंकि रॉ लीफी वेजिटेबल्स जो ख़राब पत्तेदार सब्जियां होती हैं डू नॉट प्रोवाइड अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रदान नहीं करती। आवर बॉडी नीड्स, जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो उसे प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं करती हैं। आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास, और हमारा जो शरीर है वो प्रॉपर तरीके से ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हेंस वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन ग्रास टू, इसलिए हम केवल घास को खाकर ही जीवित नहीं रह सकते और हमें प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए तभी हमारी बॉडी ठीक रह सकती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।